For the calves, grooming's Heads Up Men's Hair Paste, which also happens to be the best hair paste in this country, dig deep into the roots, scalp, and the hair. Unlike all the other hair paste and waxes available in the market, this is very natural. Yes, Heads Up is indeed scalp friendly. So, no shying, maximum styling. Alright, so aaj ka video kaafi zaruri hai. Aaj ka video kaafi अनसुनी है, जरूरी, क्योंकि अगर आप आज का वीडियो समझ गए तो आपकी आने वाली जिंदगी, आपकी मेंस लाइफस्टाइल जो होने वाली है फ्यूचर में, वो काफी खुशहाल, काफी सक्सेसफुल और काफी बेहतरीन होने वाली है। बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आज के वीडियो का महत्व, तो भाई आपके आने वाली जो लाइफस्टाइल है उसमें लाइफ के ही वांदे लगने वाले हैं। सो दैट्स समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट्स समथिंग यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। ठीक है, तो आज का वीडियो है आपकी एक होलिस्टिक फिटनेस के बारे में, आपके एक पूरे फिटनेस के बारे में। और आज के इस वीडियो का सैडली इंस्पिरेशन है हमारे राजू श्रीवास्तव का निधन, विच वॉज समथिंग वेरी सैड, क्योंकि यार मैं उनको लगभग 20-22 साल से देख रहा हूँ। इवन आई वॉज इन माई थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का पहला सीजन आया था, बट सैडली ही इज नो मोर। लेकिन वो जाते जाते मुझे एक वीडियो का इंस्पिरेशन, मुझे एक वीडियो का आइडिया जरूर दे गए। तो जेंटलमैन, चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी, उधर है कैप्स ग्रूमिंग, बट लेट्स रोल। Been a look so nice for y'all. Now I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I woke in a bar today. Got lost in the bolognese. I'm flipping the bars. I'm flipping the ओके, सो राजू श्रीवास्तव के निधन से, राकेश झुंझुनवाला के निधन से, अगर आपको बताने तो भाई इंडिया के बिजनेस टाइकून है, इंडिया के टॉप 10 रईसों में से एक है। उन्होंने शायद अभी अक्सा एयर भी स्टार्ट किया था, जस्ट बिफोर ही सकम टू अ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। लेकिन इन सब के निधन से, इन सब के बड़े अनटाइमली निधन से, मुझे आपसे 2-3 बातें शेयर करनी, मुझे आपको बस थोड़ा सा अवेयर करना है। अब देखो भाई, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं अपने एक छोटा मोटा धंधा चला लेता हूँ, बट मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई न्यूरोसर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मुझे पता नहीं भाई कि साइंस क्या है इसके, हार्ट अटैक कैन ऑल दैट, बट टू व्हाट आई हैव रेड एंड टू व्हाट आई हैव रिसर्च्ड इज क्वाइट सरप्राइजिंग। अधिकतर लोगों को जो हार्ट अटैक्स हो रही है वो तीन कारण के लिए हो रही है, तीन बड़ी बेसिक से कारण। एक, उनका फिजिकल हेल्थ ऑन पॉइंट नहीं था, उन्होंने अपने शरीर को इग्नोर किया, निगलेक्ट किया। राकेश झुंझुनवाला ने ये बात पब्लिकली बोली है इंटरव्यू में कि मैंने बहुत पैसा कमाया जिंदगी में, मैंने बहुत कुछ किया अपने नाम और शोहरत के लिए, लेकिन मैंने अपने सेहत को ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने सेहत का ख्याल नहीं रखा। दूसरा कारण जो अमरीकी साइंटिस्ट, अमरीकी डॉक्टर्स बोल रहे हैं, वो है एक आदमी का, एक मर्द का, एक इंसान, एक लड़के का मेंटल स्ट्रेस। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं तो मेंटल स्ट्रेस कैन ऑल्सो कॉज सम एक्चुअल फिजिकल डैमेज। अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, मैं ये टॉपिक इतने पैशनेटली क्यों एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी से बड़ी कोई लाइफस्टाइल नहीं है। अगर आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी तो फिर लाइफस्टाइल भला कैसे आए। और मैं एक मेंस लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं चाहूँगा आप पहले ज़िंदा रहो, मैं चाहूँगा आप पहले खुशहाली से, तंदुरुस्ती से अपनी लाइफ जीना शुरू करो। बाकी तो लाइफस्टाइल वाला जो खेल है वो तो टाइम के साथ और आपके प्रोग्रेस के साथ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, मगर अगर लाइफ ही नहीं रहा तो फिर काहे का लाइफस्टाइल। मैं यहाँ पे हार्ट अटैक के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे उन सब कोर मुद्दों से आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ जिससे अधिकतर लोगों को आजकल हार्ट अटैक्स बड़े कम उम्र में हो रही है। अगर आपको पता नहीं तो भाई अमरीका में जो भाई विश्व गुरु है, बहुत पैसा है, दुनिया का सबसे रईस देश है, बट इन दैट कंट्री The amount of heart attacks जो आजकल के यंग लड़कों को हो रहे हैं, आपका दिमाग उड़ जाएगा सुन के। 22, 25, 26, 28, 30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हो रहा है वहाँ पे। अब उनकी मेडिकल साइंस ऐसे कंडीशन पे है कि वो लोग बच जाते हैं, वो स्टेम सेल वगैरह लगा के अपना ज़िंदगी चला लेते हैं, बट 25, 26 साल में हार्ट अटैक होना एट द वेरी फर्स्ट प्लेस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई वुडंट वॉन्ट यू टू सफ़र फ्रॉम। तो इस कारण मुझे ये इशू थोड़ा पर्सनल लगा, मुझे ये इशू मेरे लाइफस्टाइल से थोड़ा रिलेटेबल लगा, और मैं चाहूँगा आप इन गलतियों से बाहर आके, परे आके अपनी ज़िंदगी को पहले स्टेबल करें, फिर लाइफस्टाइल तो हम बैठे हैं लाइफस्टाइल के लिए आपके लिए। आप पढ़ सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक दो आर्टिकल के लिंक ऐड कर दूंगा, दैट योर मेंटल स्ट्रेस, आपका जो क्रॉनिक, एक जो लंबा चलने वाला, हमेशा स्ट्रेस में हो, हमेशा स्ट्रेस में, किसी भी चीज़ से स्ट्रेस में आ गया, स्ट्रेस में आ गया। और इफ़ यू सफ़र फ्रॉम सच क्रॉनिक स्ट्रेस, सच क्रॉनिक एंग्जाइटीज और सच क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी इन योर माइंड, इट विल इवेंचुअली लीड टू योर बॉडीली फेलियर्स एज वेल। बहुत जन को गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ये तो डॉक्टर खुद ही बोलते हैं। बहुत जन का पॉस्चर बड़ा अजीब सा बन जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। बहुत जन के बाल उड़ जाते हैं, पिंपल, एक्ने, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग कॉल्ड स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड योर मेंटल इनस्टेबिलिटी। अब अमेरिका और जापान ने तो खूब तरक्की की पैसे के मामले में, वो अब भी दुनिया के टॉप 3 देशों में से आते हैं, लेकिन वहाँ के कितने लोग
खुश हैं, वहाँ के कितने लोगों को 25 साल में हार्ट अटैक नहीं हो रहा, वहाँ के कितने लोग एक्चुअली बिना किसी डॉक्टर के पास गए, बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के एक लंबी हेल्दी उम्र ऑर्गेनिकली नेचुरली जी पा रहे हैं। चांसेस आर ये नंबर शायद अब भी नॉर्मल रेंज में हो, लेकिन आते टाइम में ये नंबर काफी कमने वाला है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ही बड़ी अजीब है। नाउ दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, अगर मुझे बनाना है तो मैं प्रॉब्ली एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जेंटलमैन, तीसरा कारण जो बहुत ही सक्सेसफुल लोगों में, जो बहुत ही मेंटली स्टेबल खुश लोगों में भी पाया जाता है, दैट इवन दे आर getting some sort of stroke and heart attack or some disorder in their body is because of their lack of spiritual fitness. ये एक ऐसा चीज़ है जिसको मैंने हाल ही में explore किया है. Now what do I mean by spiritual fitness? आपने पैसा कमा लिया, आपके पास लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, लेकिन आप खुश नहीं हो. अभी अगर आपकी उम्र कम है तो आप समझोगे नहीं ये चीज़, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको थोड़ा perspective मिलेगा कि भाई पैसे तो आ रहे हैं, स्ट्रेस भी उतना नहीं है, लेकिन साला खुश नहीं हो इस काम से, या फिर खुश नहीं हो अपनी लाइफ से, या फिर खुश नहीं हो अपने आप से। ये सोशल मीडिया या फिर किसी इन्फ्लुएंसर के कहने से नहीं, आप जब दो दिन ये सब बंद करके, सारा यूट्यूब इंस्टाग्राम बंद करके अपने साथ बैठोगे, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे और अपने आप से सवालें पूछोगे, उसमें अगर आपको ये कंक्लूड होता है कि यार सब कुछ तो सही चल रहा है लेकिन साला मैं खुश नहीं हूँ, दिस कैन ऑल्सो कॉज सम एक्चुअल बॉडीली डैमेज इन द लॉन्ग रन, क्योंकि इवेंचुअली दिस विल लीड टू आपका स्ट्रेस, आपके एंग्जाइटीज, एंड दैट विल इवेंचुअली लीड टू सम सीवियर बॉडीली डैमेज। तो अगर आपको अपने होलिस्टिक फिटनेस पे काम करनी है, सिक्स पैक एब्स और डोले नहीं, जर्नलिंग करके अपनी मेंटल फिटनेस नहीं, यू हैव टू एक्चुअली लुक एट दिस लाइक अ ट्राईपॉड। किसी एक ट्राईपॉड का अगर आपने एक पाँव तोड़ दिया तो पूरा ट्राईपॉड ही गिर जाता है। दिस इज वॉट योर लाइफ हैज कम डाउन टू इफ यू डोंट रियली एक्टिवली डू दीज थ्री थिंग्स। अगर आपने कॉन्शियसली ये तीनों चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, अभी आपकी उम्र कम है, आप आदतें अभी बना सकते हो ताकि 25, 26, 28, 30 साल में आपको चीज़ें अजीब ना लगे, आप स्ट्रेस में ना आ जाओ, आपके बाल ना उड़ जाए, आपको हार्ट अटैक ना आए एट द वेरी वर्स्ट प्लेस। क्योंकि जिस हिसाब से ये देश जा रहा है, इट वोंट बी फार कि भाई मैं देखूंगा मेरे देश में भी 28 साल के लड़कों को, नौजवानों को हार्ट अटैक आ रहा है, 22 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, पता नहीं क्या ही क्या प्रॉब्लम्स हो रही है बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस। मेरा काम है आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सकती है, मेरा काम यहाँ पे अपने जीवन में बस बड़ा सिंपल है, एक तो उसको ट्राई करो और अगर काम कर गया तो आप सबके साथ, आप सबको बोल के, आप सबको सिखा के ये प्रोसेस थोड़ा और शेयर करो। आप आए हो इस धरती पे यार इंसान बन के, एक मैन बन के, आप आदमी बन के, आप भेड़ बकरी बन के नहीं आए हो। आपके पास कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज अ मैन, एज अ ह्यूमन बींग। लेकिन उन सब तक पहुंचने के लिए, उतनी अवेयरनेस, उतना एनलाइटनमेंट लाने के लिए आपको पहले अपनी बेसिक, आपको पहले अपनी लाइफ थोड़ी ऑर्डर में लानी पड़ेगी। तीन पहिया जो है ट्राईपॉड के, आपको उसको स्टेबल रखना पड़ेगा हरदम, हमेशा के लिए। सो एज आई लर्न मोर, अब फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस में मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हूँ, सो आई कैन टॉक मोर अबाउट इट, आई कैन हेल्प यू अलॉट विथ इट। लेकिन स्पिरिचुअल फिटनेस में भी जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखूंगा, मैं आप सबके लिए उसको एक ट्यूटोरियल बना के शेयर करूंगा। बट दिस इज इम्पॉर्टेंट जनरल, आज के वीडियो का बस एक ही पॉइंट है कि भाई अपने होलिस्टिक फिटनेस पे ध्यान दो। क्या मैं कसरत करता हूँ, क्या मैं ढंग से खाता हूँ, क्या मैं टाइम से उठता हूँ, सोता हूँ, या फिर दिन रात इंस्टाग्राम पे बैठ के अपने चेहरे के, अपने आँखों के 12 बजा रहा हूँ। क्या मैं अपने मेंटल फिटनेस के लिए काम करता हूँ, क्या मैं हमेशा स्ट्रेस में, हमेशा एंग्जाइटी में रहता हूँ, या फिर मैं मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहता हूँ, क्या मैं खुश हूँ, या फिर मैं एक बहुत ही इमोशनली डिप्राइव स्टेट में हूँ जहाँ पे साला कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ बड़ा बेकार लगता है। दैट इज़ वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज़ वॉट यू हैव टू वर्क ऑन। अगर आपको अपनी पूरी फिटनेस, विच इज़ एक्चुअली यू लिविंग अ हेल्दी लॉन्ग फुल लाइफ, अगर वही साला मिस हो गया फिटनेस से, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है आपके ध्यान, आपके कसरत, आपके ऑल दैट अदर थिंग्स का। तो इस बात पे जोर, इस बात पे थोड़ा ध्यान। एंड राजू श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच फॉर बींग द इंडियन कम्युनिटी चैंपियन। मिलता हूँ अगले में, ध्यान रखना, ख्याल रखना, और अगर आपको पता नहीं, टीम में बेसिक्स, बोजन के बूट्स और कैब्स ग्रूमिंग का हेड्स अप चेक करना मत भूलना। मेरा नाम है वेंकट आचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर।